हेलो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने, जो कि इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और पूछने वाले भी हैं इस साल। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं, एक दो तीन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, आप लोगों का प्रॉपर्टी फोर पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी फोर क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में हमने बता चुका है। अगर आप प्रॉपर्टी फोर के बारे में नहीं जानते हैं तो उस पिछले वाले वीडियो को आप लोग जाकर के देख लें। डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन के कुछ प्रगुण होते हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे जाके पढ़ सकते हैं वीडियो में और जान सकते हैं कि कैसे यह डिफरेंट इंटीग्रल के कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, आपका कोई इंटीग्रल है आई जीरो से पाई बाई टू, क्या है, जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स अपन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी एक्स। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, जो कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी ही मेहनत में हो सकती है। जैसे क्या होगा, प्रॉपर्टी फोर आपको हम बता देते हैं। अगर जीरो से ए, अगर जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स कोई भी फंक्शन हो, अगर कोई लिमिट क्या हो जीरो से ए और एफ एक्स डी एक्स हो, इसे हम लिख सकते हैं जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है फोर। आइए अब हम लोग इसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व होता है ये देखते हैं हम लोग। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 लगा दें तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 टू पाई बाई 4, a के जगह पे क्या है हमारा पाई बाई 2 है, क्या है पाई बाई 2, यानी कि साइन जहां पर x है वहां पे क्या रखें हम लोग पाई बाई 2 माइनस x, फिर नीचे आपका है साइन पाई बाई 2 माइनस x, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। आप लोग क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पढ़े होंगे, साइन पाई माइनस एक्स जो होता है साइन होता है, लेकिन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस होता है। साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा है, इसलिए हम लोग आई का क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये आपका हो गया cos x और ये आपका हो गया cos x और ये क्या हो गया sin x, यानी कि कहने का मतलब होता है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। ये तो हो गया आप लोगों का कन्वर्जन प्रॉपर्टी 4 से। अब हम देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है बराबर है और देख रहे हैं कि इन दोनों का जो लिमिट है समान है। जब हम देखते हैं कि दो इंटीग्रल का लिमिट समान होता है तो उन दोनों इंटीग्रल को हम जोड़ देंगे, कुछ हमें कुछ न कुछ जरूर फायदा हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करें, अगर देखिए क्या होता है, समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं अगर हम लोग तो क्या मिलता है, ऐड करते हैं तो क्या होता है आई और आई मिलकर क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा और ये दोनों अलग अलग इंटीग्रल को हम लोग एक में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू पाई बाई टू कॉस एक्स और ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, यानी कि यहाँ देखा जाए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और यहाँ पे क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है और इधर हमने देखा लिमिट दोनों क्या है समान है, जीरो टू पाई बाई टू यहाँ पे है, यानी इसको हम लोअर लिमिट करते हैं इसको अपर लिमिट करते हैं, यानी दोनों इंटीग्रल का लिमिट क्या है समान है, इसलिए देखिए क्या हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, यानी कि एक ही लिमिट में हमने लिख दिया, क्या लिख दिया दोनों का हर समान है तो अंश को भी क्या कर लेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा डी एफ, ये आपका कैंसिल हो गया 2i is equal to 0 to pi by 2, ये आपका 1 हो गया, क्या हो गया ये कटना क्यों कट गया है sin x plus cos x, sin x plus cos x दोनों समान हो गया है, जब किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों समान हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, क्या होता है x, तो 0 to pi by 2 आपका ये हो गया सभी x हो गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन x pi by 2 तो 0। अब आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट को रखते हैं फिर जाकर के लोअर लिमिट को रखते हैं, यानी अपर लिमिट क्या है आपका पाई बाई टू है
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है पाई बाय 2 है, लोअर लिमिट क्या है 0 है, यानी 2i इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय 2, और i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4। जब ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी नीचे 2 में डिवाइड है तो 4 हो जाएगा, यानी i हमारा क्या था 0 टू पाई बाय 2 sin x फिर sin x प्लस cos x dx बराबर हो गया पाई बाय 2। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगर रूट में हो, सिंपली अगर रूट में होता है तो भी ये क्वेश्चन का आंसर यही आया रहता है, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि क्या है, सो दैट आप लोगों को शो करना है पाई बाई 4 सॉरी 0, सो दैट 0 टू पाई बाई 2 log tan x dx इज इक्वल टू 0। आइए इसको हम लोग शो करते हैं कैसे 0 होता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग किया है उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे, देखते हैं कैसे 0 आता है। आइए माना I जो है ये इंटीग्रल के बराबर है, इंटीग्रल मतलब ये log tan x dx I इज इक्वल टू क्या है 0 टू पाई बाई 2 log tan x। अब फिर हमने यूज करना है कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या प्रॉपर्टी 4 होती है, अगर हम 0 से a कोई भी लिमिट है और उसका फंक्शन f x हो तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 टू a f a माइनस x dx। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है log tan x है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर I इज इक्वल टू देखिए क्या होगा 0 टू पाई बाई 2 log tan पाई बाई 2 माइनस x, यानी कि डिफिनेट इंटीग्रल की सभी क्वेश्चन डिपेंड करते हैं कि आपको कितना ट्रिग्नोमेट्री मालूम है, जितना आपको ट्रिग्नोमेट्री तगड़ा रहेगा उतना ही तगड़ा आप क्या करेंगे डिफिनेट इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप उतना ही तगड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में हम लोग ये देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारा साइन और कॉस आया था और इस वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है टेन आ रहा है, तो टेन 90 मतलब पाई बाय 2 टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा 0 टू पाई बाय 2 log ये हो जाएगा cot x dx। देखिए ये cot हो गया, अगर हम देखें तो यहाँ पर इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, ठीक है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फिर ऐड कर देते हैं हम लोग, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेगा i प्लस i 0 टू पाई बाई 2 log tan x dx प्लस 0 टू पाई बाई 2 log cot x dx 0 टू पाई बाई 2 log tan x प्लस 0 टू पाई बाई 2 log cot x। अब ये i और i मिलकर कितना आता है 2i हो जाता है और दोनों का लिमिट देख रहे हैं कि यहाँ पर समान है, लिमिट दोनों का समान होने की वजह से हम लोग दोनों लॉगरिथम को एक में लिख सकते हैं log tan x प्लस log cot x, log tan x प्लस log cot x का एक फार्मूला होता है आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो देख सकते हैं हम लोग log m प्लस log n, log m प्लस n का फार्मूला क्या होता है log mn होता है, क्या होता है log m n, क्या होता है log mn। ये देखिए 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log क्या हो जाएगा mn होगा तो क्या होगा 10 इंटू कॉट हो जाएगा 10 x इंटू कॉट x और ये हो जाएगा आपका dx, और 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, ठीक है 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, यानी यहाँ 1 हो गया और ये dx हो गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है log 1 क्या है dx के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है, यानी कि log 1 को हम लोग बाहर कर दिए 0 टू पाई बाई 2 dx। अब log 1 सॉरी log 1 है log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, अब 0 होती है जब इसकी वैल्यू तो 0 में किसी भी अगर इंटीग्रेशन कर भी देते हैं यहाँ 1 हो जाएगा इसका पाई बाई 2 होगा, तो अगर लिमिट रखने के बाद भी जो आएगा 0 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मतलब फंक्शन का चाहे किसी भी नंबर का तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, जीरो क्या होगा 2i बराबर हो गया आपका 0, इसलिए i बराबर क्या होगा 0, एंड i क्या है i बराबर आपका था 0 टू
जीरो टू पाई बाई टू लॉग टेन एक्स डी एक्स बराबर जीरो, यानी कि जीरो टू पाई बाई टू लॉग टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, जीरो होता है। चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व हुआ है, उसके बाद से हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जीरो टू पाई बाई टू लॉग टेन एक्स डी एक्स बराबर जीरो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। अगर प्रॉपर्टी वन देखा जाए तो भी नहीं लगेगी, टू देखा जाए तो भी नहीं लगेगी, थ्री देखा जाए तो भी नहीं लगेगी। यहाँ पे दिख रहा है कि जीरो से ए है, यानी प्रॉपर्टी फोर ही लगेगी, यानी इसे प्रॉपर्टी फोर कहते हैं। देखिए क्या होता है, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है, जीरो टू एफ ए माइनस एक्स हो जाता है। देखिए ए हो गया यहाँ पे लॉग टेन पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया, यानी कि ये कट हो गया। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर दिए हमने, तो क्या मिल गया हमें, क्या मिला, log tan x plus log cot x। log का फंक्शन लगा देंगे तो log ये हमें हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग tan x into cot x, यानी हम कह सकते हैं tan x बराबर जो होता है 1 upon cot होता है, तो यहां पे या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया है log 1 रख दिया है। अब log 1 क्या है, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो हम इस इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं, इसे इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां कुछ नहीं तो 1 है, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, जब x होता है तो x अगर लिमिट रखें चाहे ना रखें 0 से गुणा करें क्या होगा, 0 हो जाएगा और हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें दिख रहा है कि n घात है, 0 टू पाई sin टू द पावर n घात और अपन cos टू द पावर n घात प्लस sin टू द पावर n घात। देखने में लग रहा है कितना ज्यादा घात है इसके ऊपर, लेकिन उतना ही ये क्या है, इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इस वीडियो में हमने एक ही टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इसलिए कि ताकि एक ही टाइप के क्वेश्चन डिस्कस होने से क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग पिछले ही मेथड से करेंगे सॉल्व, तो कैसे करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी फोर आप लोगों को याद हो गया होगा, तीसरी बार हमने देखा प्रॉपर्टी फोर, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स आप लोगों को अब तक याद हो चुका होगा, क्या होगा, जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स dx। तो आइए हम लोग यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो पहले तो हमने क्या कर दिया, माना ये क्या है, i है, क्या हो गया, ये i मान लिया, दिस इज इक्वल टू i, ठीक है, हमें π/4 तो प्रूफ करना ही हो तो i जाएगा। तो अब हम लोग लगाएंगे यहां पर प्रॉपर्टी 4, तो जहां पर क्या है, जहां पर sin n, यहां पर x मान क्या हो जाएगा π/2 - x, नीचे भी हो जाएगा cos टू द पावर n π/2 माइनस यक्स, फिर यहाँ पे साइन का पावर है, साइन का पावर यन पाई बाय टू माइनस यक्स, जैसा कि पिछले पहले ही क्वेश्चन में हम लोग देखा है, हम लोग देखे हैं क्या, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस होता है, कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, साइन होता है, इसलिए बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर उसकी घात यन है तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, घात उतना ही रह जाएगा, ठीक है। इसलिए आई बराबर क्या होगा, जीरो टू पाई बाय टू, ये आपका हो गया कॉस टू पावर यन यक्स, फिर हो गया आपका साइन टू द पावर एन एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, पुराना तरीका है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, बस इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट, नाउ वी गेट, वी हैव एनीथिंग नाउ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड समीकरण 1 और 2 को कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट को राइट में ऐड करते हैं, इधर हो जाएगा i plus i this is equal to 0 to pi by 2 और sin to the power n x upon cos to the power n x plus sin to the power n x dx plus फिर 0 to pi by 2 0 to pi by 2 cos to the power n x upon sin to the power n x plus cos to the power n x dx। अब देखिए ठीक है, 2i बना गया आपका, ये 2i। अब यहाँ पर देखिए लिमिट सेम है, लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, ऑर्डर से साइन है, कॉस है, कॉस है, साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसका मतलब क्या है, एक ही लिमिट में हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कॉस टू द पावर एन एक्स प्लस साइन टू द पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई दोनों का हर समान है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस टू द पावर एन एक्स प्लस साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। फिर यहाँ दिख रहा है दोनों समान हो गया, इसलिए कैंसिल हो जाएगा,
और 2i is equal to 0 to pi by 2 1 dr, यानी कटा तो क्या बचा, 1 बचा है, इसलिए हम लोग का 2i यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगा, या 1 का इंटीग्रेशन x होता है और पाई बाय 2 से 0, यानी क्या हम लोग लिमिट को रख देंगे, अपर लिमिट पहले रखते हैं फिर जाकर के लोअर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या होगा 2i is equal to pi by 2, अब ये 2 यहां चला जाएगा नीचे, तो i is equal to क्या होगा pi by 4, i की वैल्यू क्या थी हमारी, i की वैल्यू क्या थी 0 से pi by 2 sin to the power n x upon cos to the power n x plus sin to the power n x dx बराबर क्या हो गया आपका pi by 4, sin की जगह पे cos भी हो सकता था, कास्ट टू द पावर nx रहेगा तो भी क्या होगा आंसर यही आएगा। ये आपका 3-4 क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जानना तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।